बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। व्यूअर्स, आप हमने 6.6 के क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करना है। फाइंड द लेवल टर्म ऑफ द सीक्वेंस 1 प्लस आइटा 2 2 इनटू 1 माइनस आइटा। ये अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, इसकी लेवल टर्म मालूम करनी है। तो यहाँ जो फर्स्ट टर्म है हमारे पास 1 प्लस आइटा है, कॉमन रेशियो आर आएगा 2 ओवर 1 प्लस आइटा। ये जो कॉमन रेशियो है कैसे मालूम किया, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाई द फर्स्ट टर्म। इसको ज़रा देखें कि इसको हम रेशनलाइज कर सकते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए। 1 माइनस आइटा से मल्टीप्लाई करें और डिवाइड करें, ये बन जाएगा 2 इंटू 1 माइनस आइटा ओवर 1 प्लस आइटा इंटू 1 माइनस आइटा। इसके ऊपर फॉर्मूला लग जाएगा, 2 इंटू 1 माइनस आइटा एज इट इज रहेगा, ये क्या बन जाएगा 1 स्क्वेयर माइनस आइटा स्क्वेयर। ये 2 इंटू 1 माइनस आइटा डिवाइडेड बाई 1 स्क्वेयर 1, और आइटा स्क्वेयर किसके इक्वल है, माइनस 1 के। 2 इंटू 1 माइनस आइटा ओवर 1 प्लस 1, 2 इंटू 1 माइनस आइटा ओवर 2, 2 2 से कैंसिल हो गया 1 माइनस आइटा, ये आर आ गया आपके पास। अब आपने जो जनरल टर्म का आपके पास फार्मूला है वो क्या है, ए एन इज इक्वल टू ए वन आर एस्ट पावर एन माइनस वन। एलेवंथ टर्म मालूम करने के लिए एन की जगह आपने एलेवन लिखना है, ए वन आर एस्ट पावर एलेवन माइनस वन। ए वन की क्या वैल्यू है यहाँ पे, 1 प्लस आइटा। आर की वैल्यू की आ जाएगा ए वन आर एस पर 10, ए वन की वैल्यू लगा दी 1 प्लस आइटा। आर की वैल्यू भी निकाली हमने, क्या निकाली है, 1 माइनस आइटा रेस्ट पावर 10, 1 माइनस आइटा रेस्ट पावर 10। इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस आइटा इंटू 1 माइनस आइटा रेस्ट पावर 2 की पावर 5, 10 है ना। इसका फ़ायदा क्या होगा, 1 प्लस आइटा इंटू 1 माइनस आइटा का स्क्वायर ओपन करें वो आता है 1 माइनस 2 आइटा प्लस आइटा स्क्वायर रेस्ट पर 5, ऐसे ही होगा ना। ए माइनस बी का स्क्वायर ओपन करें तो क्या आता है, ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये क्या बना आपके पास, 1 प्लस आइटा इंटू 1 माइनस 2 आइटा, आइटा स्क्वायर किसके इक्वल है, माइनस 1 के रेस्ट पर 5। ये 1 और ये माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आएगा क्या, अब ये आ जाएगा माइनस 2 रेस्ट पावर 5 आइटा रेस्ट पावर 5। ये जो माइनस 2 रेस्ट पावर 5 आइटा रेस्ट पावर 5, और साथ आएगा आपके पास 1 प्लस आइटा। अब ये आइटा रेस्ट पावर 5 जो है उसको भी सिंप्लीफाई करते हैं, ये माइनस 2 रेस्ट पावर 5 किसके बराबर आएगा, माइनस 32 के। इसको हम ले सकते हैं आइटा की पावर 4 इंटू आइटा, और 1 प्लस आइटा एज इट इज रहेगा। इसका क्या फ़ायदा होगा, ए अलेवन इज इक्वल टू माइनस 32, आइटा की पावर 4 उसको आप ले सकते हैं आइटा स्क्वायर रेस्ट पर 2, और ये वाला जो आइटा इसके साथ अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या बनता है, आइटा प्लस आइटा स्क्वायर। दिस विल बी माइनस 32 इंटू माइनस 1 रेस पर 2, यह आ जाएगा आइटा माइनस 1। इसके बाद ये नेगेटिव साइन अगर इसके साथ मल्टीप्लाई हो, ये माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा ना, माइनस 1 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 1, माइनस 32 का 32 वैसे रह गया, ये नेगेटिव साइन में इसके साथ मल्टीप्लाई कराने लगा हूँ, इसके साथ मल्टीप्लाई कराऊंगा तो माइनस आइटा प्लस 1 आ जाएगा, और ये बन जाएगा 32 इंटू 1 माइनस आइटा। दिस इज द रिक्वायर्ड अलाइनमेंट टर्म ऑफ द गिवन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। बस रहने दें इस तरह, इसी तरह मल्टीप्लाई कर भी सकते हैं, लेकिन ये कॉमन निकला हुआ तो अब रहने दें इस तरह।